गुरु प्यारे सत्संग जी, आज की साखी एक ऐसे विषय से संबंधित है जो कि हम भी जानना चाहते हैं कि आखिर जो नाम की कमाई वाले सत्संगी होते हैं, जो भजन बंदगी को बताए गए समय से ज़्यादा समय देते हैं, अक्सर देखा गया है कि वह दूसरों के घर का खाना तक तो दूर, वह तो पानी तक भी नहीं पीते। जो कमाई वाले सत्संगी हैं वह ऐसा क्यों करते हैं? उनके ऐसा करने के पीछे का क्या कारण है? वह आज हमें साखी में पता चलेगा, तो साखी को पूरा सुनने की कृपालता करें जी। सत्संग जी एक बहुत ही कमाई वाली बीवी थी। उनकी कमाई इतनी थी कि बताने वाले बताते हैं कि वह तो कितने कितने दिन तक खाना नहीं खाती थी, और आसपास के लोग जब भी उनसे मिलने जाते थे वह तो उनके पैरों में पड़ जाते थे। सत्संग जी अक्सर देखा जाता है कि जब भी कोई संत महात्मा होता है तो लोग उनके पैरों में पड़ना शुरू कर देते हैं, जबकि वह ऐसा करने से मना करते हैं, क्योंकि वह कहते हैं कि रूहानियत हमारे पैरों में नहीं है, हमारे कपड़ों में नहीं है, रूहानियत आपके अंदर भी है। जो दौलत मालिक ने हमारे अंदर रखी है वह आपके अंदर भी रखी है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने पहचान कर ली होती है और हमने पहचान नहीं की होती, इसलिए हम बाहर भटकते रहते हैं। इसलिए तो अक्सर फरमाया जाता है कि मनमुख और गुरमुख में सिर्फ पहचान का ही फर्क है और कोई फर्क नहीं। जो गुरमुख होता है उसने पहचान कर ली होती है, जो मनमुख होता है वह बाहर ही भटकता रहता है, बाहर ही धक्के खाता रहता है। तो सत्संग जी ऐसे ही, वह जो सत्संगी माई थी उनकी कमाई बहुत थी। माता के परिवार वाले उनके कमरे में खाने की थाली छोड़कर आ जाते थे, लेकिन जब वह वापस लेने जाते थे तो वह देखते थे कि खाना तो वैसे का वैसा ही पड़ा है, माई ने खाया ही नहीं। सत्संग जी आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वह पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात भजन बंदगी में नहीं रहती थी। उन्हें खाने पीने का कोई भी ख्याल नहीं होता था, क्योंकि वह हर पल मालिक से जुड़ी रहती थी, और जो मालिक से जुड़े होते हैं उन्हें खाने पीने की क्या जरूरत है? उनकी खुराक तो अब मालिक का नाम बन चुकी होती है, उन्हें फिर खाने की जरूरत नहीं रहती है। उन्हें मालिक से वह नूर मिलता रहता है, मालिक से वह शक्ति मिलती रहती है, जिससे कि उनका शरीर चलता रहता है और उन्हें किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं आती। और जब माई बाहर आती थी तो वह तो बाहर बहुत संगत इकट्ठी हो जाया करती थी, क्योंकि जैसे जैसे लोगों को पता चलता गया कि माई बहुत कमाई वाली है, तो लोग अपनी मुसीबतें उनके पास लेकर आ जाते थे। कोई उनसे अपने घर का मामला सुलझाने के लिए चला आता था, कोई अपनी और तकलीफ लेकर उनके पास चला आ जाता था। तरह तरह के लोग उनके पास आने लगे थे, लेकिन माई को ये सब अच्छा नहीं लगता था। जो कोई भी उनसे किसी तरह का सवाल करता था, कोई भी उनसे कुछ पूछता था, तो माई अक्सर कह दिया करती थी कि भजन सिमरन करो, नाम जपो, मालिक का नाम लेने से ही सभी दुख दूर होंगे और कोई दूसरा रास्ता नहीं। अगर दुखों से छुटकारा चाहिए तो मालिक के नाम का जाप करो, भजन सिमरन करो। और सत्संग जी माई अगर कहीं भी जाती थी तो वह किसी के घर का खाना तक तो दूर, वह तो पानी तक भी नहीं पीती थी। और ऐसा अक्सर देखा गया है कि जो नाम की कमाई करते हैं वह किसी के घर का पानी तक भी नहीं पीते। तो एक सत्संगी ने उनसे ये पूछ लिया था कि माता जी आप किसी के घर का पानी क्यों नहीं पीते? तो सत्संग जी, वह भी एक अभ्यासी था, उसे भी नाम मिला हुआ था, वह भी कमाई वाला था, लेकिन उसकी कमाई इतनी नहीं थी जितनी वह माई की थी। तो जब उसने माई से सवाल पूछा कि माता जी कृपया इसके पीछे का कारण बताएं कि जो आप जैसे कमाई वाले जीव हैं वह किसी के घर का पानी तक क्यों नहीं पीते, क्योंकि हमें भी ये जानना है, क्योंकि हम भी इस मार्ग पर चल पड़े हैं, और इसलिए हमें भी ये जानना है, हमारे लिए भी ये जानना बहुत ही ज़रूरी हो गया है कि आप ऐसा क्यों करते हैं। तो माता जी ने उस समय उस अभ्यासी के इस प्रश्न का उत्तर दिया था कि ऐसा क्यों है कि जो नाम की कमाई करते हैं वह किसी के घर का पानी तक क्यों नहीं पीते। माता ने कहा था कि हम सभी जीवों के अपने अपने कर्म हैं, हमारा सभी का अपना अपना बोझ है जो हम साथ लेकर घूमते हैं, लेकिन जो नाम की कमाई करते हैं, भजन सिमरन करते हैं, मालिक के प्यारे हैं,
उनके कमाए कोई कर्म नहीं होते, वह इस चक्कर से मुक्त हो जाते हैं, उनके सभी कर्म खत्म हो जाते हैं। और जब ऐसा हो जाता है तो व्यक्ति अकर्म की प्रक्रिया में प्रवेश करता है, क्योंकि जब भी कोई अभ्यासी नाम की कमाई कर कर वह नाम रूपी धुन को सुन लेता है, तब उस दिन से उसका कोई भी कर्म नहीं बनता और जो भी पिछले कर्म होते हैं सब खत्म हो जाते हैं, व्यक्ति निर्भर हो जाता है, मालिक का रूप बन जाता है। और अगर हम इस मार्ग पर चल पड़े और अगर हमें नाम की बख्शिश हो गई है और हम भजन सिमरन को भी समय देते हैं, तो हमें एक बात का ख्याल रखना होगा कि हमें जगह जगह से खाना पीना बंद करना होगा। ऐसा नहीं कहीं भी गए और कुछ भी खा लिया, कुछ भी पी लिया। आप अक्सर देखते होंगे कि जो साधु महात्मा होते हैं वह कम खाते हैं। वह ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जो भी खाते हैं उसका असर हमारे मन पर पड़ता है, क्योंकि जैसा हम अन्य ग्रहण करते हैं वैसा ही हमारा मन हो जाता है। और इसलिए जो नाम की कमाई करते हैं वह सोच समझकर खाते हैं, सोच समझकर पीते हैं और कम खाते हैं, कम बोलते हैं, कम सोते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें पता चल जाता है जब वह नाम की कमाई पर बैठते हैं और उनकी चढ़ाई नहीं होती, रूह ऊपर नहीं चढ़ती, तब उन्हें पता चल जाता है कहीं पर कोई गड़बड़ हुई है। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब हम जगह जगह से कुछ भी खा लेते हैं तो अक्सर ऐसी मुसीबतों का सामना हमें करना पड़ता है। ये दिक्कतें हमारे अभ्यास में आती हैं क्योंकि हमें नहीं पता होता कि वह किस मनोभावना से हमारे लिए वह खाना लेकर आए हैं, या फिर किस भावना से वह हमारे लिए वह चीज़ लेकर आया है जो हमें ग्रहण करनी है। और आप अक्सर देखते होंगे कि जो गुरु घर में लंगर बनता है, प्रसादा बनता है, जब हम उसको ग्रहण करते हैं तो मन को शांति मिलती है। इसके पीछे का भी एक कारण है क्योंकि वहाँ पर हर समय नाम सिमरण का जाप चलता रहता है, संगत नाम की कमाई में लीन रहती है और साथ साथ लंगर भी बनाती है, इसलिए मालिक के नाम का रस उस लंगर में भी आ जाता है। और जब संगत उसको ग्रहण करती है तो संगत के मन को शांति मिलती है, संतोष मिलता है। और अगर हम बात करें दूसरी तरफ की, हम किसी के घर गए और उन्होंने हमें जो दिया और हमने खा लिया, ये जहाँ तक तो ठीक है कि अगर हम इस मार्ग पर नहीं चले हैं, लेकिन जो चल पड़े हैं, जिनका लक्ष्य बन गया है कि इस मनुष्य जन्म में मालिक की कृपा से अपना आना जाना खत्म करना है, जीना मरना खत्म करना है, वह किसी के घर का पानी तक नहीं पीते, वह एक एक कदम फूक फूक कर रखते हैं और घर का बना खाना ही खाते हैं, जहाँ पर हर समय मालिक का नाम लिया जा रहा हो, यही कारण है कि वह किसी के घर का पानी तक नहीं पीते, वह उसी घर का खाना पसंद करते हैं या फिर पानी पीना पसंद करते हैं जो मालिक से जुड़े हुए होते हैं, जो रूहानियत से जुड़े हुए होते हैं, जिनके घर मालिक का नाम लिया जा रहा है, जहाँ उसके नाम की चर्चा होती है, जहाँ उसके नाम का जाप होता है, उसी के घर का पानी पीते हैं, उसी के घर का खाना खाते हैं, अथवा वह किसी के घर का खाना नहीं खाते और ना ही किसी के घर का पानी पीते हैं। तो सत्संग जी, ये जवाब माता जी ने उस संगी ब्यासी को दिया और ये जवाब सुनकर उसको समझ आ गई थी कि माई हमें क्या समझाना चाहती है। सत्संग जी, इस साखी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हम इस मार्ग पर चल पड़े हैं, मालिक की कृपा से हमें नाम की बख्शिश हुई है, तो हमें जगह जगह से खाना बंद करना होगा, तब हमें सोच समझकर चलना पड़ेगा, क्योंकि हम जो भी दिन भर करते हैं उसका असर हमारी भजन बंदगी पर भी पड़ता है, क्योंकि मन बहुत जल्दी प्रभाव लेता है और हम जो भी अपने अंदर डालते हैं, जैसा भी हम खाते हैं, उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। और अगर हम कोई भी ऐसी चीज़ खा लेते हैं जिससे कि हमारी रूहानी तरक्की रुक जाए, तब हमें बहुत तकलीफ होती है। ऐसा अक्सर देखा गया है कि जब हम जगह जगह से कुछ भी खा लेते हैं तो अक्सर उसका प्रभाव हमारी भजन बंदगी पर पड़ता है। तो हमें सतगुरु की कृपा से वही खाना खाना चाहिए जहाँ पर मालिक का नाम लिया जा रहा हो,
उसके नाम का जाप किया जा रहा हूँ। बहुत सारे सत्संगी जीवों की शिकायत रहती है कि वह इतने सालों से भजन सिमरन करते आ रहे हैं लेकिन उनकी बात नहीं बनी। तो ऐसे बहुत से कारण होते हैं जिसके कारण उनकी बात नहीं बनती, जिनमें से एक कारण ये भी है कि हमें कम से कम खाना चाहिए और जितना हो सके बाहर का खाना कम करना चाहिए, केवल घर का ही खाना खाना चाहिए जहाँ पर मालिक का नाम लिया जा रहा है। अगर हम अपना ये मनुष्य जन्म सफल करना चाहते हैं तो हमें मालिक की भजन बंदगी में लगना होगा, अपने सतगुरु के हुक्म में रहना है, उसके बाने में रहना है ताकि हमारा इस जन्म में पार उतारा हो सके, उस कुल मालिक से हमारा मिलाप हो सके। तो साध संगत जी, ऐसे ही हम रोज़ाना इस चैनल पर नई साखियाँ और शब्द लेकर आते हैं। अगर आप ऐसे ही रोज़ाना नई साखियाँ और शब्द सुनना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें जी। अगर आपको साखी अच्छी लगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें जी। कृपया हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, नीचे दिए गए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें।